अपनी शामों में हिस्सा फिर किसी। ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ स्नोफॉल वीडियो एडिटिंग, जो गाइस इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। एंड गाइस जैसे कि आप सभी को पता है गाइस कि विंटर का सीजन जो है बहुत ही जल्द आने वाला है, तो गाइस मैंने सोचा कि ना आप सभी के लिए इसके ऊपर एक वीडियो ही बना दी जाए। एंड ये जो ट्रेंड है गाइस इंस्टाग्राम पे स्टार्ट भी हो गया, मतलब वीडियोस वगैरह वायरल हो रही है। और स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाई कि गाइस कितनी अमेजिंग वीडियोज जो है अब इंस्टाग्राम पर अपलोड हो रही है। तो गाइस आज इन्हीं में से एक हम आज वीडियो को एडिट करेंगे एंड आपको मैं सिखाऊंगा कैसे आपको एडिट करना है। बाकी गाइस आप सभी को जो भी मैं इसमें स्टॉक वगैरह यूज करूँगा सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वीडियो को देखने वाले जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ भी मतलब वीडियो में अच्छा लगता था प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे आप देख सकते हैं हम 30,000 सब्सक्राइबर कितने करीब हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए आज की इस नई वीडियो हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को जो है यहाँ पे VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो VN एप्लीकेशन अगर आपके पास नहीं है तो गाइस आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो इसलिए, ठीक है, फ्री एप्लीकेशन है। तो आप सभी को करना है क्या, जैसे ही आप यहाँ पे प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करके जब ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा न्यू प्रोजेक्ट करके ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली इसको ऑन कर देना है। फिर उसके यहाँ से आपको अपनी जो वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी वीडियो आप एडिट करना चाहते हो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आप अपनी वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट करोगे तो गाइस आपका जो इंटरफेस है कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो उसके बाद जो आप सभी को फिर का करना है, जब आप इतना काम हो जाएगा तो उसके बाद आप सभी को जहाँ पे वीडियो को चला के देख लेना, जहाँ से आप सभी को लगे कि आपकी वीडियो जो है मतलब कि इसमें ऐड कर देना चाहिए तो आपको ऐड वाले ऑप्शन में जाना है। आपको यहाँ से आपको जो है एक स्नो का जो PNG मिल जाएगा, ठीक है, मतलब स्नो का जो वीडियो है इसका आपको PNG जो है इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। PNG नहीं है गाइस, ये पूरी वीडियो है, ठीक है। तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना, तो थोड़ी सी प्रोसेसिंग वगैरह लेगा, आप इसको सिंपली ऐड पर जाना है आपको। एंड आप जैसे ही ऐड पे जाओगे फिर आप सभी को थोड़ा सा वेट करना है। एंड जब वेट करने के बाद जब आपकी वीडियो वहाँ पर पूरी प्रॉपर ऐड हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो बस वीडियो के ऐड हो जाने के बाद आप सभी को सिंपली नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, ठीक है। स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे कि फिल करके एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है तो आपकी पूरी वीडियो पर फिल हो जाएगा। देन उसके बाद आप सभी को क्या करना है, आप सभी को सिंपली यहाँ से चले जाना है आपको यहाँ से ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में। ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे दो फिल्टर मिलेंगे जो कि आपको यूज़ करना है, या तो आप लाइटन यूज़ करो या फिर आप स्क्रीन यूज़ करो, ठीक है, सेम वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको उन दोनों में से कोई भी ऐड कर लेना। बाकी जो है आपको स्टार्टिंग का ना कुछ पार्ट है जो मतलब कि स्नोफॉल का वो आपको नहीं रखना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग का जो कुछ पार्ट है यहाँ तक आपको इसको जो ट्रिम करके हटा देना है, ठीक है। यहाँ से हम ट्रिम करेंगे एंड यहाँ से हमें चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से हम इतना ट्रिम कर लेते हैं। जैसे आप इसको ट्रिम कर लोगे जो आपका जी वाला स्नोफॉल का जो जितना आपका पीछे वाला पार्ट है उनको सबको आपको प्रेस करके जो आपको स्टार्टिंग में ले जाना है, ठीक है। तो ये जो है मतलब कि किसी किसी से ना ढंग से हो नहीं पाता है, तो कभी कभार मुझसे भी नहीं होता है। तो आपको करना कि आपको उस पर प्रेस करके रखना है एंड जैसे ही मतलब कि थोड़ा ऊपर की तरफ उठेगा ना समझ लेना गाइस आगे जाने के लिए रेडी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैं आगे इसको लेकर आ चुका हूँ, तो अब जो हम इसको थोड़ा चला के देखते हैं एंड यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, हम इसकी जो ओपेसिटी जो है थोड़ी कम करेंगे क्योंकि मेरे को इसकी ओपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है, मतलब हमारा मॉडल दिख भी नहीं रहा है। तो मैं जो क्या करूँगा इसकी ओपेसिटी जो यहाँ से थोड़ा सा कम कर लूँगा, तो यहाँ से हम ओपेसिटी में चलेंगे एंड ओपेसिटी में जाने के बाद जो हम इसकी जो ओपेसिटी अराउंड 70-60 के बीच में रखेंगे, ठीक है। तो आप देख लेना अपने हिसाब से आपको कितना रखना है, तो हमने इतना रख लिया। बाकी जो भी एक्स्ट्रा पार्ट जो जितना भी है इसका हम बाकी सबको यहाँ पर डिलीट कर देंगे, ये वाटर मार्क को भी डिलीट कर देंगे एंड बाकी चला के देखते हैं हमारी वीडियो जो है कैसी लग रही है यहाँ पर। सो यहाँ पे अब बाकी यार जो बैकग्राउंड वगैरह अगर डार्क होता है ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप लोग कोशिश करना कि आपका जो बैकग्राउंड होगा ना वो डार्क में हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी किसी में भी ऐड कर सकते हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी हम इसको सेव करते हैं एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं तो नेक्स्ट वीडियो में